इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है ये यहाँ पर वो काम करता है अंडर क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। मेरे साथ कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा मौजूद हैं, रायना सैयद फ्रॉम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड मौजूद हैं, और टीम मेरे साथ फोर पॉज की यहाँ खड़ी है। डॉक्टर फ्रैंक मौजूद हैं, आमिर मौजूद हैं, एंड देयर मेनी कॉलीग्स हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑस्ट्रिया, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम बल्गेरिया। एंड यहाँ से जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का स्टाफ है वो भी यहाँ मौजूद है इस वक्त, और मीडिया के हजरात भी मौजूद हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब से हम लोगों ने आते ही एक कोम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जो वाइल्ड लाइफ कैप्टिविटी में रखते हैं इलीगल, जो कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, उनके ख़िलाफ़ एक पूरा क्रैकडाउन हुआ, और उसमें हमें डांसिंग बेयर्स, हमने उनको रेस्क्यू किया। तो पता ये चला कि जिस वक्त वो डांसिंग बेयर्स मिले और रेस्क्यू किया, हम लोगों ने बहुत ही बुरी हालत में थे, ब्लीडिंग हो रही थी, और जिन लोगों ने रखे भी हुए थे जो इससे पैसे कमा रहे थे एंटरटेनमेंट वाइज, उन्होंने इनके जो हालात थे वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और पहला ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो इस तरह हमें कुछ गालिबन कितने टोटल शेयर आए ना जो डांसिंग बेयर्स हैं वो हमें अभी तक मिले हैं, लेकिन कोमिंग ऑपरेशन जारी है। और ये एक तो जो साइटीज़ लॉ है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसकी भी ख़िलाफ़ वर्जी है, हमारे वाइल्ड लाइफ लॉज की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। और जब ये चीफ मिनिस्टर साहिबा के नोटिस में आया तो उन्होंने फ़ौरन वाइल्ड लाइफ को ये ऑपरेशन करने को कहा। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जिस वक्त ये रेस्क्यू हुए बेयर्स, तो हमें पता चला कि पूरे पंजाब में कोई रेस्क्यू सेंटर ही नहीं है, और वहाँ उनको रखना कुछ जगह के ऊपर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स में रखे गए, लेकिन एक जो बेयर होता है ब्लैक बेयर, ये इनकी एक अपनी इंडिजिनस हैबिटेट होता है जहाँ इनका रखना इकोसिस्टम वाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इनका नेचुरल हैबिटेट जो होता है। और मुझे आज यहाँ मालूम हुआ कि जो बेयर है वो, जब हम समझते हैं कि वो ढोलक पे या किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे वो डांस करता है, तो वो डांस नहीं कर रहा होता बल्कि नीचे हॉट प्लेट्स रखी होती हैं और जिसकी तकलीफ़ की वजह से वो मूव कर रहा होता है और हम समझते हैं कि वो डांस कर रहा है। इसी तरह जो नाक में उनके वो डाली जाती है पिन, जिसको नकेल बोलते हैं, और उसको जब वो खींचते हैं तो वो तकलीफ़ से वो तड़पता है और डांस करता है, तो इसका वो समझते हैं कि ये डांस कर रहा है और जिससे वो एंटरटेनमेंट में पैसे भी कमाते हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं समझती हूँ, इनसेंसिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो इस वक्त हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर पहले वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स जो हैं उनका क़याम है, जिसमें लाहौर सफारी को पहली किस्त में फेज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है, और लाहौर ज़ू को, और फिर जो इनको ट्रांसपोर्ट करती हैं रेस्क्यू करने के बाद जो गाड़ियाँ, उनका भी बुरा हाल है। इनके एक इंटरनेशनल जवाबत होते हैं, कायदो जवाबत, एक SOP होता है जिसके तहत वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करके या विल्डरनेस में छोड़ देते हैं या उनको रेस्क्यू सेंटर्स में, जब तक उनके हालात ना ठीक हों। अब जो अनीला एक बेयर है, और यहाँ पर उनके अंदर एक चिप भी, माइक्रोचिप लगाई गई है कि उसकी अपनी बेयर की आइडेंटिटी होगी, और यहाँ इनके डिफरेंट ऑपरेशंस भी हुए हैं। मुझे कल पता चला, आज पता चला है कि 5 घंटे का एक डेंटल पूरा सर्जरी हुई है, जिसमें पूरा जो माउथ था वो डैमेज था, उनके दांत डैमेज थे, और वो पूरी एक सर्जरी डॉक्टर फ्रैंक ने यहाँ कंडक्ट की है। ये अपने मोबाइल अल्ट्रासाउंड के साथ, अपने मोबाइल इक्विपमेंट्स के साथ, ऑपरेशन थिएटर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं फोर पॉज वाले, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये अपने ख़र्चे पर यहाँ आए हैं। और लेकिन हम एक ऐसा ज़रूर प्रोग्राम इनके साथ पार्टनरशिप में बना रहे हैं कि हमारी टीम्स यहाँ से इनके पास जाएँ, उनकी कैपेसिटी रेज हो, और हम एक फुल फ्लेज रेस्क्यू सेंटर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के और इंडिजिनस कैपेसिटीज़, लोकल कम्युनिटी की अवेयरनेस और कैपेसिटीज़ हम बिल्ड करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये इंतजामात मौजूद हों जहाँ वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करके उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सके और उनका ख्याल भी रखा जा सके और उनको एक नेचुरल हैबिटेट भी दिया जा सके। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट जुज जो है वो अवाम है जो इनको रखते हैं। ज़ाहिर है इसके साथ एक इकोनॉमिक वैल्यू जुड़ी है, एक रोज़गार जुड़ा है, जिसका भी हम देख रहे हैं कि हम उसका एक प्रोग्राम बना रहे हैं। और वॉलंटरली, अब ये हाल है कि हमें कल वॉलंटरली कुछ पैरट्स थे जो लोगों ने ख़ुद बताया कि हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें जगह बताएं, हम वहाँ आके देना चाहते हैं, क्योंकि असल में जो वाइल्ड लाइफ लॉज हैं इसकी सख्त से सख्त सज़ा है और ये किसी तरह भी अलाउड नहीं है रखना कैप्टिविटी में। हमने परसों ट्विल्टन मार्केट लाहौर के अंदर एक पूरा ऑपरेशन किया और वहाँ हमें पता चला कि कुछ मुर्गियाँ, जो 200 मुर्गियाँ जो थीं वो मर गई थीं और उनको
खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वहाँ भी हमने पूरा ऑपरेशन किया और वहाँ से भी हमने वाइल्ड लाइफ काफ़ी कॉन्फिस्केट की और उनको रेस्क्यू किया है। इसी तरह पंजाब के अंदर एक पूरा जो लाहौर सफारी है उसको एक अपग्रेड करने का पूरा प्लान चीफ मिनिस्टर साहिबा का है। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली कभी पॉलिटिकल एजेंडा पे रही नहीं, ये वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन और जो पूरी एक बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, हम पंजाब के अंदर जीआईएस मैप के ज़रिए पूरी बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को मैपिंग का सर्वे हमने स्टार्ट किया है। सिटीजन्स के लिए अवेयरनेस ऐप्स हैं, वाइल्ड लाइफ ऐप की तश्कील हुई इस वक्त हो रही है जो ईद के फौरन बाद हम लॉन्च करेंगे। इसी तरह वफाक में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने रोमिना को जब कोऑर्डिनेटर लगाया है तो ये इस बात की निशानदेही है कि हम इंशाल्लाह जो इस्लामाबाद की क्योंकि कैपिटल है ये शोकेस करता है पूरे पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को, तो यहाँ हम एग्जिबिशन सेंटर्स, वाइल्ड लाइफ जूज जो कि सिर्फ एजुकेशनल फैसिलिटी हो उसको हम थोड़ा सा अपग्रेड करने का प्लान है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे, लेकिन सिटीजन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा, क्रिटिकल रोल होगा इसको कामयाब करने में। हमारी जो टीम इस वक्त आपके साथ मेरे साथ यहाँ खड़ी है, ये लोग डिफरेंट कंट्रीज से जैसे मैंने आपको बताया आए हैं, इनके वेरीड एक्सपर्टीज हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके अंदर जो मैडम है वो आई हुई हैं फ्रॉम ऑस्ट्रिया मरीना फ्रॉम बल्गेरिया एंड वी हैव डॉक्टर आमिर फ्रॉम ऑस्ट्रिया हियर एंड देन वी हैव डॉक्टर फ्रैंक फ्रॉम जर्मनी बर्लिन। सो ये एक पूल ऑफ एक्सपर्टीज यहाँ इस वक्त मौजूद हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो स्किल है उसको हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीके से हम उसको अपनी इंडिजिनस कैपेसिटीज़ में ऑगमेंट करने की कोशिश करें। तो ये आपका जहाँ पे आप खड़े हैं ये सांबा ज़ू था और यहाँ पे पूरे यहाँ के पूरे इलाके से पठवा से लोग यहाँ पर आते थे एंटरटेनमेंट के लिए और सिर्फ आज पता चला कि 2 करोड़ रुपया तो आमदनी सिर्फ सैटरडे संडे की थी। इसको भी बहाली के लिए कि आप कोर्ट के अंदर जाएंगे। दूसरा, अगर असली नजायज असले वालों को आप टाइम देते हैं कि 10 दिन के 15 दिन या 1 महीने में वो जमा करवा दें, इसी तरह जो रीचों पे निशाने वाले हैं उनको भी टाइम देना चाहिए था और उनको इंसेंटिव देने चाहिए थे वो जमा कराएं ताकि उनको उनका जो रोजगार है वो डिस्टर्ब भी ना हो और आखिर उनका भी तो रोजगार है। ये आपने अच्छा सवाल किया। देखें, यहाँ एक जू था जहाँ वो हाथी एक थी, उसका एक बड़ा इशू बना और खाली जानवरों को रखना और ज़ू और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह जितना मर्ज़ी रोज़गार आ रहा हो, लेकिन जो उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बना वो सारा एपिसोड, उसके बाद यहाँ रख के उनके हालात क्या हैं और जितना ज़ू बनाने में ख़र्चा होना चाहिए बाहर के ममालिक में उससे डबल उनकी देखभाल के लिए होता है। तो अभी एक मागला वाइल्ड लाइफ सेंटर का एक कॉन्सेप्ट है जो ये वाइल्ड लाइफ ज़ू वालों मैनेजमेंट बोर्ड वालों ने बनाया है जिसको क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रिव्यू करेगी और देखेगी और हम इंशाल्लाह दोबारा से उससे बेहतरीन एक फैसिलिटी बनाएंगे जो ज़्यादा अवेयरनेस रेजिंग और इन्वायरमेंटल एजुकेशन और पब्लिक के लिए खोली जाएगी। तो वो अभी इन प्रोसेस है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर कामयाबी हो जाएगी। जिसको इंशाल्लाह जी बिल्कुल इसको टॉप प्रायोरिटी पे, मेरी आज ही मुलाकात इनके साथ हुई है, सुबह हुई और हमें पता चला कि मैडम मरियम भी आ रही हैं और आपने देखा कि उन्होंने पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो बताया और इंशाल्लाह इसी को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर लेके और हमारी तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात होगी, बहुत जल्द जो है वो देखेंगे। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि लोगों को टाइम देना चाहिए था। देखिए, जहाँ पर जुल्म हो रहा है और किसी की जान जा रही है उसमें टाइम को नहीं देखा जाता, उसमें उसकी एक वो एक जो ज़िंदगी हयात याद है हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी देखभाल करें। और जी यहाँ से ले लो फिर आपसे ले लेती हूँ। मैम ये बताइएगा, आज ये ऐसा इकदाम है जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तरफ से लिया गया और आपकी तरफ से भी, रीछों के साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे और जो है ना वो वाइल्ड एनिमल्स को पेट के तौर पर रखा जा रहा है जिसमें शेर भी अब रखे जाते हैं, उनको पब्लिकली बांध के लाया जाता है और पोर्ट्रेट किया जाता है, इस किस्म के जो इकदाम आते हैं उसको डिस्कस। ये खाली ब्लैक बेयर का मामला नहीं है, मैंने पहले कहा कि ये सारी वाइल्ड लाइफ का एक होलिस्टिक प्लान है और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसके अंदर हमने जितनी पेट्स को भी बेचने की दुकानें हैं उनको भी लाइसेंस के दायरे में लाने का प्लान है।
कि हर दुकान लाइसेंस्ड होगी, उसके दुकान के अपने अंदरूनी हालात क्या हैं जहाँ उनको रखा हुआ है वो पूरा एक SOP के ज़रिए इंश्योर किया जाएगा, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो इसको मॉनिटर करेगी और वो इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड होगा टू EPA डैशबोर्ड, और हमें पूरी इन्वेंट्री मिलेगी कि कहाँ कहाँ जो पेट्स की दुकानें भी हैं, फिर वो पेट कहाँ जा रहा है, उसका एक अलग SOP है जिसको इस प्लान के अंदर डाला जा रहा है। और सिर्फ ब्लैक बेयर्स नहीं बल्कि तमाम वाइल्ड लाइफ जो साइटीज़ के अंदर इलीगल, मतलब आप उसको कैप्टिविटी में रख ही नहीं सकते, वो वाइल्ड लाइफ है, तो उसके ऊपर पूरा प्लान है। देखिए इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो हाई कोर्ट ने एक कमीशन जो है वो बनाया है जो कि सारी चीज़ों को रिविजिट कर रहा है, मैं उसकी मेंबर भी हूँ, हम लोग उसको देख भी रहे हैं, और दूसरा उसके साथ साथ बाकी तमाम तरह जितने भी इश्यूज हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसको हम हंगामी उसके ऊपर जो है वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द क्योंकि मैंने मीटिंग कॉल की है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर जो भी इकदाम होंगे आप तमाम तरह मीडिया के साथ मिलकर हम उसको शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का है सब कुछ जो है, तो जाहिर है जिनका है उन तक इसकी रसाई भी होनी चाहिए, वो फिर चाहे कोई भी हो। आज ही शिफ्ट किया जाएगा, आज ही बात होगी जी। आई विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ एवरीथिंग, यू डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू जी, थैंक यू।